आज महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के द्वारा युवा दस्ता के कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष रुद्र नारायण महतो, कार्यकारी अध्यक्ष पवन यादव, युवा अध्यक्ष सुजित महतो, महासचिव संजय महतो एवं समिति के राजन श्रीवास्तव, विक्रम गुप्ता, प्रदीप साहू, समीर चौधरी, समाज सेवी राकेश सिंह, सतीश केशरी, सत्यजित रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के महेश चंद्रा, प्रभात सिंह, मनोज महतो, पीयूष कुमार एवं युवा दस्ता के प्रभारी मंटू दुबे मौजूद रहे। युवा दस्ता के प्रभारी मंटू दुबे ने बताया कि युवा दस्ता के संस्थापक अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा एवं अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के निर्देश पर पहली बार बूटी मोड़ में युवा दस्ता के सदस्यों के द्वारा सेवा कार्य किया गया और पहली बार में ही युवाओं के द्वारा जो श्रद्धालु आए हैं उनको सुलभ दर्शन कराने में भरपूर सहयोग किया गया। युवा दस्ता के सदस्यों के द्वारा पंडाल में पॉकेट मारों को भी दबोचा गया है। इन सभी कार्यों को देखते हुए दस्ता के सभी सदस्यों को महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से खूब सराहना की गई। देखिए आज विगत 9 दिनों से मां की सेवा करते हुए आज विसर्जन का दिन आ गया है और इस 9 दिनों में सबसे पहले तो आपके माध्यम से प्रेस के जो बंधु हैं, जिला प्रशासन और महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष आदरणीय रुद्र नारायण महतो जी, बड़े भैया श्री संजय महतो जी एवं यहाँ के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, सभी को हम अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि 24 वर्षों के दौरान ये पहला ऐसा मौका आया जिसमें युवा दस्ता ने महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति में अपना योगदान दिया और इन युवा दस्ता का योगदान हमारे जितने युवा साथी है इस तरह से दिया कि 3-4 दिनों तक लगातार बिना थके बिना रुके जनता की सेवा में लगे रहे। भारी बारिश में भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते थे, उसमें भी युवा दस्ता के जितने कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे आशीष हो गए, भूषण हो गया, ये आपके ब्रजेश जी हो गए, ये सब सारे लोग लग करके माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपने अनुसार उनको सुलभ दर्शन कराने का कार्य किया। मैं भी करीब 2-3 दिनों तक यहाँ रहा। सबसे बड़ी बात है कि महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के सारे पदाधिकारियों का हमें वो सहयोग मिला जिसके वजह से युवा दस्ता ने एक फ्रीडम तरीके से इस पंडाल में अपना कार्य को किया बिना किसी रोक टोक के। एकदम भाईचारा का माहौल दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का, युवा दस्ता के सदस्यों के साथ रहा। और यहाँ जो जिला प्रशासन की टीम थी उनका भी सहयोग हमें पूरी तरह से मिला। जैसे जिला सदर थाना के प्रभारी भी यहाँ आए हुए थे, सिटी सदर DSP बरवार साहब भी आए हुए थे और बड़ी वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ आकर के गए। उन्होंने भी युवा दस्ता की टीम को देखा कि दिन रात मेहनत कर रही है। सर्वप्रथम दुर्गा माता का आशीर्वाद झारखंड की जनता पे हमेशा बना रहे। बुटी मोड़ क्षेत्र में ये भव्य पंडाल महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाया गया जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने आके माता रानी के दर्शन किए। और सबसे बड़ा बात है इस पंडाल का कि यहाँ कोई अनहोनी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ शांति से हुआ। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, महाशक्ति दुर्गा पूजा कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छे से अपना दायित्व को निभाया। इसके अलावा रांची से युवा दस्ता की टीम जो यहाँ मौजूद थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से कार्य को यहाँ संपन्न किया। इस क्षेत्र के समाजसेवी और युवा दस्ता के प्रभारी मंटू दुबे जी यहाँ उपस्थित हमेशा रहे और यहाँ के युवा जो उस टीम के मेंबर थे उन्होंने बड़े बुजुर्ग अपाहिज सभी को पकड़ के उनको गोदी में हाथों की उठा के भी जो नहीं चलने सक रहे थे उनको लेके आए और पंडाल में दर्शन कराए, माता रानी के दर्शन कराए और उनका आशीर्वाद यहाँ के कोर कमेटी के सदस्यों को, यहाँ के युवा दस्ता के टीम को, यहाँ के जितने भी गणमान्य पदाधिकारी हैं उन सबको, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला। इवन कुछ बुजुर्ग तो जाके वहाँ आशीर्वाद दिए हम लोग के अध्यक्ष महोदय को, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को, जितने भी पदाधिकारी थे सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया किए कि इतना अच्छा व्यवस्था आपने किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरे जितने भी युवाओं की टीम है उन सबको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और ये भव्य आयोजन 24 साल का इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन इस बार हुआ है और
इस बार की जो पूरी कमेटी थी उन्होंने तन मन धन से पूरा सहयोग किया, दिन रात श्रद्धालुओं के लिए खड़े रहे और पूरे जोश और खरोश के साथ इस क्षेत्र में इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ। चूँकि शीश महल इतना भव्य बना था, लगभग 3 महीना से कारीगर लोग यहाँ लगे हुए थे, 150 कारीगर दिन रात लगातार काम कर रहे थे, बारिश भी आ रही थी, बारिश में लग रहा था कि इस बार थोड़ा सा हम लोग को समस्या होगी, लेकिन कारीगरों ने भींग भींग कर भी काम किया और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी हम लोगों को हमेशा सहयोग मिलता रहा, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का भी, सचिव हम लोग के हैं संजय भैया, इनका भी सहयोग मिलता रहा है। तो इवन यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा मनाया गया। इसके लिए मैं पूरे कमेटी को, युवा दस्ता को, यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, राकेश जी हो, चाहे महेश चंद्रा जी हो, मंटू जी हो, राजन जी हो, विक्रम गुप्ता जी हो, प्रदीप साहू जी हो, या कमेटी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जितने भी सदस्य हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद और आभार देता हूं। आज विसर्जन है और भारी संख्या में यहां श्रद्धालु जुटने वाले हैं माता का विसर्जन के लिए, और इसी के साथ बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। समीर चौधरी, कार्य समिति सदस्य, महाशक्ति दुर्गा पूजा। पहले तो इतनी बड़ी जो पंडाल की प्रतिमा आप देख रहे हैं माँ की, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं और युवा साथी लोग हैं, ये शीश महल का पूरा श्रेय उन लोग को जाता है और कई सालों से ये लोग मेहनत करते जा रहे हैं और अभी जिस तरह ये शीश महल बनाया गया है, पूरे रांची का केंद्र बन चुका है और यहाँ बहुत सारे धार्मिक संगठन के युवा लोग भी जुड़ते आ रहे हैं और युवा दस्ता का मैं संरक्षक भी हूँ, विभिन्न धार्मिक संगठनों से मैं हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेता हूँ। इसमें मुझे प्रशासन या सरकार के द्वारा कई बार सचिव पत्र भी मिल चुका है और यहाँ के प्रभारी मंटू दुबे, युवा दस्ता के प्रभारी मंटू दुबे के द्वारा जितनी टीम काम की है वो सराहनीय है और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है सब भाईचारा का मिसाल है। और आज जो हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं ये बुट्टी मोड़ का इतिहास रहेगा और पूरे शहर के लिए केंद्र रहेगा और हम जिला प्रशासन और नगर निगम सभी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े पूजा पंडाल में हम लोग का सभी को सहयोग मिला। महेश चंद्रा, युवा दस्ता संरक्षक, महानगर के उपाध्यक्ष और यहाँ का मैं सदस्य हूँ। कि सबसे पहले इस परिसर में आए हुए सभी महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का, युवा दस्ता के सभी पदाधिकारी प्रभारी और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 24 साल में आज तक जितने भी पूजा हुआ है उसका सबसे भव्य रूप हम लोग अगले बार 25वें साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये जो आज शीश महल बनाया गया और इतना भव्य रूप, हम समझते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में एक अलग अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो आज इसका सबसे मूल कारण है कि यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं, युवा दस्ता के कार्यकर्ता हैं, इस महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के सदस्य, सबका कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा और ख़ास कर युवा दस्ता के कार्यकर्ता लोग जो पिछले 3 महीना से लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ अपने ढंग से परिश्रम करते हुए कुछ न कुछ योगदान देते रहे हैं। कहाँ से चंदा आएगा, किस ढंग से, किस व्यवस्था से, किसको क्या प्रभार दिया जाए, ऐसी व्यवस्था देख के जितने भी यहाँ मंत्री, विधायक, चाहे क्षेत्र के जितने भी समाज सेविया हैं, कहीं ना कहीं इस यहाँ के व्यवस्था को देख करके और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए अपना एक कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हुए गए हैं। और जहाँ तक क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र में, रांची शहर में, हम बता देना चाहते हैं कि ये मुख्य द्वार जो पूरे झारखंड का एंट्री का मुख्य द्वार है रांची राजधानी का, उसमें इतना भव्य, जो लाखों लाख की संख्या प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु लोग आते थे और सारी व्यवस्था, क्योंकि दो साइड से एग्जिट रास्ता बनाया गया है और एंट्री गेट, यहाँ पे जितने भी लड़का को जो कार्य दिया गया वो अपने अपने ढंग से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किए। इसलिए सभी पदाधिकारियों को, कमेटी के सदस्यों को और ख़ासकर युवाओं को, युवा दस्ता के पदाधिकारी और युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गे। मैं राकेश कुमार सिंह, युवा दस्ता का सदस्य।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।